नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना दिनांक, जिस भी दिनांक में आप इसको पढ़ाएंगे, कक्षा 8, विषय इतिहास, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, छात्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का वर्णन करते हैं। छात्र स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं एवं उनके प्रभाव के बारे में बता पाते हैं। प्रकरण, भारत का स्वाधीनता आंदोलन। सहायक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, शामपट, चौक, डस्टर, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम भारत का स्वाधीनता आंदोलन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षक उचित स्वर एवं उच्चारण के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा पाठ के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट पर लिखेंगे। श्यामपट कार्य, गांधी जी ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए असहयोग और अवज्ञा के कार्यक्रम अपनाए। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुए काकोरी लूटकांड में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी तथा अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई। लाहौर कांड के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे तथा छात्रों से पाठ के मुख्य बिंदुओं को लिखने तथा याद करने के लिए कहेंगे। प्रदत्त गृह कार्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ? लाहौर कांड में किस किस को फांसी दी गई? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।